नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है टीवी न्यूज में। रूस के कब्जे वाली क्रीमिया में एक ब्रिज पर रविवार देर रात अटैक हुआ, इसमें दो लोगों की मौत हो गई है। रूस ने इस हमले का आरोप यूक्रेन पर लगाया है। वही रिपोर्ट के मुताबिक हमले में जान गंवाने वाला एक दंपत्ति है, इनकी बच्ची भी घायल हुई है। अटैक के कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं, इनमें टूटा हुआ ब्रिज दिखाई दे रहा है। हमले के तुरंत बाद लोकल प्रशासन ने ब्रिज पर ट्रैफिक को रोक दिया। वहीं यह हमला रूस यूक्रेन के बीच हुई ग्रैंड डील खत्म होने के एक दिन पहले हुई है। आपको बता दें, वहीं ये हमला रूस यूक्रेन के बीच हुई ग्रैंड डील खत्म होने के एक दिन बाद हुआ है। दरअसल जंग के चलते पिछले साल ब्लैक सी में सामान की डिलीवरी को लेकर दोनों देशों के बीच सेफ रूट देने की एक डील कराई गई थी। कल इस डील के खत्म होने की आखिरी तारीख है, जिसके बाद दोनों के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है।